हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनरीचेबल। आज की वीडियो में बताऊंगा स्वाइप टू स्प्लिट ऐप डज नॉट सपोर्ट स्प्लिट स्क्रीन प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें। अगर आप इस स्वाइप टू स्प्लिट यूज करने की कोशिश करें पर यहां पर लिखा रहा है ऐप डज नॉट सपोर्ट स्प्लिट स्क्रीन, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल अनरीचेबल को सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूज करने मतलब देखने के लिए। तो दरअसल मैं भी अभी हाल ही में इस ऐप को यूज कर रहा था और यहाँ पे मैं स्प्लिट स्क्रीन करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे लिखा रहा था कि ऐप डज नॉट सपोर्ट। क्योंकि क्या होता है कि जिस ऐप को आप यूज करने की कोशिश करते हो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी मतलब परमिशन रखी होती है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी पर्पज के लिए ऐसी परमिशन रखी होती है कि वो ऐप हम स्प्लिट स्क्रीन में यूज नहीं कर सकते। हर ऐप में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी स्पेसिफिक ऐप में ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको ऐप चेंज करके ट्राई करना है। अगर आप उस ऐप को यूज करोगे तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने भी ये यूज करा था और मेरा जो डिवाइस का स्प्लिट स्क्रीन था, मेरे एक दो ऐप थे इंस्टाग्राम वगैरह उनमें ये वर्क नहीं कर रहा था। तो आपको भी ट्राई करना है किसी और ऐप से या फिर आपको एक अलग सॉल्यूशन पता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको ऑनलाइन एक नया थर्ड पार्टी कोई ऐप स्प्लिट स्क्रीन ऐप मिल जाएगा, वो आपको इंस्टॉल कर लेना, उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनरीचेबल को सब्सक्राइब जरूर करें।